कावासाकी निंजा H2 और कावासाकी निंजा H2R। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप की जो बाइक है, हमारे सुपर बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इनको आज हम कम्प्लीटली इसको कंपैरिजन करेंगे और दोनों में जो सिमिलैरिटीज है उनको देखेंगे। तो गाइस बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर गाइस सबसे पहले बात करते हैं इंजन की। जी हाँ दोस्तों, दोनों में आपको 998 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। कावासाकी निंजा H2 में आपको लिक्विड कूल इनलाइन 4 इंजन जिसके अंदर आपको 200 हॉर्स पावर देखने को मिल जाता है। वहीं पे गाइस कावासाकी निंजा H2R में आपको 998 cc का इंजन लिक्विड कूल्ड एंड सुपर चार्ज एंड इनलाइन 4 इंजन देखने को मिल जाता है, जो हमारा प्रोड्यूस करता है 310 का हॉर्स पावर। एंड गाइस अगर बात करते हैं वेट की, कावासाकी निंजा H2 का वेट है अराउंड 238 kg। वहीं पे गाइस H2R का वेट हमें मिल जाता है 216 kg। जी हाँ दोस्तों, वेट कम होने की वजह से स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कावासाकी निंजा H2R की स्पीड है 400 km/h एंड गाइस कावासाकी निंजा H2 की स्पीड है 324 km/h। गाइस इसे बात करते हैं दोनों के प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, जस्ट बिकॉज गाइस हमारे जो कावासाकी निंजा H2R है उसका जो मटेरियल यूज़ करा गया है बनाने के लिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कार्बन फाइबर का यूज़ करा गया है, ये जो मटेरियल होता है गाइस, और गाइस कार्बन फाइबर हमारे जो बाइक की ड्यूरेबिलिटी को उसको इंक्रीज कर देता है और उसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इंक्रीज कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगला रीज़न आता है हमारे जो दोनों में काफ़ी डिफरेंस इंक्रीज कर देता है, इनका प्राइस गाइस। जी हाँ दोस्तों, हमारी कावासाकी निंजा H2R काफ़ी महंगी है हमारी H2 से कंपेरिजन करें तो। जी हाँ दोस्तों, हमारी कावासाकी निंजा H2R का ऑन रोड प्राइस देखना चाहेंगे आपको 81 lakh से 90 lakh तक के बीच में मिलेगा इंडिया में। इसके बाद गाइस बात करते हैं H2 के बारे में। H2 का गाइस आपको 35 lakh से लेकर 42 lakh तक का आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका बड़ा मार्जिन इसीलिए है क्योंकि गाइस इसमें कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है और इसकी जो पावर एफिशिएंसी H2R की काफ़ी ज़्यादा है। एंड गाइस, काफ़ी राइडर्स को लगता है कि जो हमारी कावासाकी निंजा H2R है अपने इंडिया में इलीगल माने जाते हैं रोड पे, जस्ट बिकॉज इसकी पावर इतनी ज़्यादा है। पर गाइस आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे गलत फहमी है, इसका रीज़न इसकी पावर नहीं है। एक्चुअल रीज़न गाइस ये है कि इसमें आपको ये ट्रैकिंग रेस बाइक बनाई गई थी ट्रैक पे रेसिंग करने के लिए, ना कि रोड पे चलाने के लिए। तो इसमें जो बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लाइक रोड पे जो बाइक राइड करने के लिए जो रूल सेट करे गए हैं उनको फॉलो नहीं करती हमारी कावासाकी निंजा H2R। जैसे कि हमारे साइड लैंप्स होने चाहिए दोनों बाइकों में, उसके बाद आपको साइड मिरर्स होने चाहिए जो हमारे H2R में नहीं गिवन है, जिनकी वजह से अपने इंडिया में हम रोड पर बाइक को नहीं राइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ फीचर्स थे जो आपको आज मैं शेयर करने वाला जा रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।